हे गाइस व्हाट्सएप। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ गाड़ी, और वो रही गाड़ी। तो गाड़ी में लगाऊंगा मैं ये ट्रंक लाइट, जिसे हम डिकी लाइट्स भी बोलते हैं। तो आज इसका ही सोचा हमने लगाने के लिए। काफ़ी दिन से भाई रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास में कि भाई डिकी लाइट्स पे भी करो काम, डिकी लाइट्स पे भी करो। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, और डिकी लाइट्स है ये हर गाड़ी के अंदर लग जाएगी, चाहे आपकी गाड़ी हैचबैक हो या सेडान हो। तो ये है मेरे पास में मेरी सेडान, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मैंने लगाई थी लास्ट टाइम अपनी गाड़ी के अंदर। ऑडी लाइट्स डुअल कलर्स के अंदर है, ये अभी भी मेरी चल रही है। अब ये देखो इंडिकेटर्स, ये देखिए, ये भी अभी मेरी पूरी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। अब मैं लगाऊंगा इसके अंदर ये ट्रंक लाइट। तो ट्रंक लाइट की करते हैं हम अनबॉक्सिंग। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोखान चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले व्लॉग देखने के लिए। तो चलो भैया, ये आ जाती है अपने पास में कार डेकोरेटिव टेल लाइट है ये, और इसके पीछे लिखा हुआ है फंक्शन डिस्क्रिप्शन और कौन सी वायर कैसे लगानी है, और भैया फंक्शन उसके क्या हैं। और ये देख लीजिए आप इसका बॉक्स इस तरीके से, और ये आइटम जो है चाइना की इम्पोर्टेड आइटम है, दोनों सेम है, और डब्बे की क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। और अब इसको खोल के देखते हैं, और ये बिग फूट कंपनी है कुछ इस तरीके की, उन्होंने ये बनाई हुई है, मैन्युफैक्चर कंपनी इसकी। अब चल लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, अब अनबॉक्सिंग करते हैं। अब ये मिल जाती है आपको एक बॉक्स के अंदर टेल लाइट, और टेल लाइट जो इसकी है ट्रंक लाइट की, जो हाइट है उसकी काफ़ी अच्छी हाइट मिल जाती है, जो आपकी डिग्गी को पूरा कवर करेगी, ये यहाँ से लेकर पूरा कवर करेगी आपकी डिग्गी को। तो चलो अब इसको दिखा देता हूँ मैं आपके अंदर। इसकी जो क्वालिटी है गाइस वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है आपको, और इसकी जो सॉकेट है सॉकेट भी अच्छा है, और वायर्स है इसकी वायर्स भी एक अच्छी क्वालिटी की आती हैं इसके अंदर। और ये दिया हुआ है कुछ इसके अंदर सॉकेट्स, और ये फुल वाटरप्रूफ है आपकी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब इसकी हाइट नापते हैं, तो चलो हाइट नापने के लिए करते हैं इसको। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो इसकी लेंथ पूरी यहाँ से यहाँ तक आ गई, आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये पूरी डिग्गी कवर कर लेगी हमारी नीचे से लेकर ऊपर तक की। अब चलो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगा इसका डायग्राम वो किस तरीके से, क्योंकि आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे कौन सी वायर किस में लगानी है भैया। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, ये है मेरे पास में टेल लाइट, ये रबर की है, और इसके पीछे लगी हुई है डबल टेप, जो मैं डबल टेप उसकी छुटाता हूँ। अब डबल टेप छुटाने के बाद में इसके पीछे आपको ग्लू वाली एक टेप मिल जाएगी, ये देख रहे हो। अब इसको स्टार्ट करनी है इस कोने से लेकर वाले कोने तक, आप डिस्टेंस देखना दोनों का बराबर आने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे जाएगी तो फिर आपकी लाइट का जो फोकस है वो ठीक नहीं रहेगा। तो चलो मैं इसको लगाता हूँ, आप देखना हमने डिस्टेंस इसका। अब ये कुछ इस तरीके से आ रही है लाइट्स यहाँ से, और यहाँ से आपकी जो लाइन है यहाँ से भी आप देख सकते हो उसका जो डायरेक्शन है सीधा आना चाहिए, ये वाली लाइन है, और इस लाइन से आप ऐसे लगा लेना, फिर इसके टेप छुटाते हुए आगे चलना है हमारे को। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो ये लाइट्स है यहाँ से यहाँ तक लग गई। अभी आप सोच रहे होगे कि मैंने इसको पूरा क्यों नहीं लगाया, पूरा इसलिए नहीं लगाया, अब ये जो लाइट के आप स्क्रू देख रहे हो नीचे और ऊपर वाला, इसको खोलने के बाद में तब मैं इसके अंदर जब कनेक्शन कर लूँगा तब मैं इसको पूरा इसको जो टेप है छुटा के लगाऊँ। अगर मैं इसको ऐसे ही लगा दूंगा तो हमारी जो लाइट है वो बाहर नहीं आ पाएगी, तो इस वजह से मैंने सबसे पहले इसके जो स्क्रूज वगैरह से कनेक्शन है वो करना है, फिर उसके बाद जब हमारे फाइनल हो जाएगा फिर हमने इसको ऊपर से लेकर टेप लगा देनी है। तो अभी हम इसकी जो लाइट है लाइट के स्क्रू खोलते हैं, 1, 2 और पीछे की तरफ हैं इसके स्क्रू एंड 3। तो ये हमने तीनों स्क्रूज को हमने खोलना है, खोलने के बाद में ये हमारी वायर से ये पीछे की तरफ चली जाएगी इसकी लाइट्स के, तो कनेक्शन भी अब हमने इसके इसके लाइट के अंदर ही करने हैं। तो इसको लाइट को खोल लेते हैं अभी हम।
अभी तो वीडियो बंद करियो। अब ये लाइट आ गई हमारी दोस्तों बाहर। अब देखने हैं इसके अंदर कनेक्शन कौन सा भाई, कौन सा होल्डर है, ये आपने आगे से चला के देखना है दोस्तों कौन सा है। ये आ जाता है इसका। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो इसके अंदर काफी सारे होल्डर्स हैं जिसके अंदर बल्ब्स लगे हुए हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि कौन सा बल्ब किस चीज के लिए है। तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, इसको लाइट्स को ऐसे रखना है। तो हमने आगे एक बंदे को भेज दिया है जो हमारी लाइटिंग कंट्रोल करेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, चल मैं उससे बोलूँगा कि ब्रेक दबा, ये इंडिकेटर चला, पार्किंग चला, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कौन सी लाइट्स हमारी किस वर्क कौन सा वर्क कर रही है। तो चलो करते हैं अब शुरू। चल भाई ब्रेक दबा। देख पा रहे हो दोस्तों ब्रेक के लिए जो नीचे वाले सॉकेट हैं दो हमारे, ये यानी कि ये दोनों सॉकेट हमारे ये ब्रेक के हैं। अब चलते हैं इसके इंडिकेटर की तरफ। ब्रेक छोड़, इंडिकेटर चला। अब ये इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स का हमारा सॉकेट याला है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा इंडिकेटर का सॉकेट है। अब बैक गियर डाल भाई। अब ये बैक गियर की आ गई। अब हेडलाइट ऑन कर। अब ये हमारी हेडलाइट। तो दोस्तों आपको सब जान के पता तो चल गया कि कौन सी वायर इसके अंदर कौन सी है। और जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया करके, आप इसी तरीके से अपनी वीडियो में अपनी गाड़ी के अंदर टेस्ट करिएगा कि कौन सा वायर किसका है और कौन सा होल्डर किसका है, तो इससे आपको कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो चलो अब हमारे को पता चल गया कौन सा वायर किसका है और करते हैं अब इसके कनेक्ट। तो सारी वायर्स को हमने बीच में से हल्का हल्का छील लेना है ताकि हमारे जो तार के कनेक्शन है वो आसानी से हो जाए। ये छीलना है, ये छीलने हैं, और इसमें से ये छीलनी है, और एक बैकलाइट वाली है ये छीलना है। तो सारे को हमने छीलने के बाद में फिर हमारे कनेक्शन है इजीली हो जाएंगे। और जो उसका सॉकेट है बाहर है उसके अंदर मैं सारी तारें नहीं लगा सकता, तो इस वजह से मेरे को कटिंग करके लगानी पड़ती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये तार छिल गई है, इसी तरीके से हमने सारी वायर्स हैं वो छील लेनी है। इसके जो पॉजिटिव वायर है वो येलो है, और इसकी पॉजिटिव है ब्लू है, और इसकी पॉजिटिव है वो रेड है। तो जितना भी आप इसके अंदर कलर्स देख रहे हो डिफरेंस वाले, वो इसके जो पॉजिटिव वायर हो के कनेक्शन होंगे। अब गाइस जैसे कि आप देख रहे हो ये सारी तार से मैंने छील दी वायर जितनी भी हैं। अब ये कनेक्शन है, अब इसके कनेक्शन में बताता हूँ। अब ये इसके अंदर जो ब्लैक और रेड वायर है ये इसकी हमेशा पॉजिटिव वायर्स हैं। ये एक इंडिकेटर की वायर है, ये येलो वाली दोनों इंडिकेटर्स की है, और वाइट वाली जो है हमारी ये हमारी ब्रेक वायर है, और इसके अंदर ब्रेक वायर हो गई, और ये जो वायर है हमारी ये हमारी पार्किंग पे जो अपनी ब्लू चलेगी इसके अंदर हमारे इंडिकेटर चलेंगे। एक बार और समझ लीजिए, ये हमारी पॉजिटिव वायर है और पॉजिटिव वायर को हम कनेक्शन करेंगे पार्किंग से, और ये हमारी नेगेटिव आ गई पार्किंग आ गई, और ये हमारी ब्रेक वायर है वो आ गई। अब चलो इनको जोड़ लेते हैं हम इसके अंदर ही। अब गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर दो वायर्स हैं। अब इसमें से चेक करना है जो अपनी जो लाइट है, लाइट की पोजीशन में इधर से इधर जानी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये है वहाँ से लाइट जले तो अपना राइट साइड में जो उसका फोकस जाए लाइट का इस तरीके से जो रनिंग जाए। तो इसमें से देखनी है अपनी वायर्स कौन सी है। अब इसमें से टेस्ट करेंगे कि कौन सी वाली है। चलो अब इंडिकेटर जला देता हूँ अपनी कार का। तो इंडिकेटर हमारा जल रहा है। अब इसके अंदर देखनी हमारी कौन सी वायर है। अब ये सॉकेट है, सॉकेट को लगा दीजिए। अब हमारा सॉकेट भी लग गया। अब ये इसके अंदर की वायर आ गई। अब ये देखना है हमारे को कौन सी वायर जा रही है। तो इसकी जो पार्किंग वाली लाइट है वो जल चुकी है, क्योंकि मैंने जो इसके कनेक्शन है यहाँ से कर रखा है, क्योंकि दिन में कोई फ़ायदा नहीं है इसको जलाने से। ये देख पा रहे हो, अब ये कनेक्शन है यहाँ से हो रखा है। अब देखना है हमारे को इसका इंडिकेटर का कौन सा है। तो इंडिकेटर के फोकस चेक करने के लिए ये जा रहा है अभी हमारा, ये अभी हमारा दोस्तों लेफ्ट की तरफ जा रहा है इंडिकेटर जो है हमारा। ये इसके अंदर फ़ोन के अंदर शायद ही दिख रहा होगा,
क्योंकि धूप है वो काफ़ी हो रखी है अभी यहाँ पर। तो अब हमारी वायर जो है, हमारी याली वायर है हमारी, जो हमारी राइट इंडिकेटर को जाएगी, तो राइट इंडिकेटर वाला कनेक्शन कर देते हैं हम यहाँ से। अब ये जो है राइट इंडिकेटर वाला कनेक्शन हो चुका है, तो ये जो हमारी वायर जाएगी वो लेफ्ट वाली इंडिकेटर है वहाँ पर जाएगी। तो इसके ऊपर अभी फ़िलहाल टेपिंग कर लेते हैं, और ये जो वायर बची है हमारी वो हमारी लेफ्ट उसमें कर लेते हैं। तो दोस्तों सारे कनेक्शन है वो हो चुके हैं हमारे। आप कनेक्शन समझ लीजिए, वाइट वाली वायर हमारी ब्रेक वायर है, नेगेटिव वायर है, इंडिकेटर की येलो है, और रेड और ब्लू हमारी वो पॉजिटिव वायर हैं। तो कनेक्शन हमारे सारे हो गए। अब ये बची हमारी वायर, वो हमारी लेफ्ट इंडिकेटर है, उसके अंदर लग जाएगी। एक दोस्तों वायर मैंने दूसरे इंडिकेटर्स के लिए यहाँ से सॉकेट से बाहर निकाल लिए, ये जो आप देख रहे हो रबड़ का पार्ट, यहाँ से मैंने बाहर निकाल लिए। अब इस वायर को कनेक्शन कर देना है इस वाली वायर से जो लेफ्ट वाले इंडिकेटर की थी। इसको छील लेते हैं, छीलने के बाद में कनेक्शन हो जाते हैं हमारे। ये कनेक्शन इस तरीके से हो जाने के बाद में अब हमने इसके ऊपर लगा देनी है टेप, लगा देनी है टेप। लगाने के बाद में फिर हमने इसको बंद करके दूसरी वाली लाइट है वहाँ पर चलना है। अब सारे कनेक्शन हो चुके हैं हमारे, अब हम इसको वापस लगा देते हैं जहाँ से हमने इसको लाइट को खोली थी। और ये डिब्बी है इसकी, कहीं पे भी रख दो इसको, तो इसको यहाँ पर आ जाएगी। और ये तार को थोड़ी पीछे से खींच लीजिए, और इसको बंद कर दीजिए। ये लेफ्ट वाले इंडिकेटर की वायर है गाइस। अब इसको वायर को हमने इसको नीचे नीचे से ले जाके, ये जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ऐसे ऐसे करते हुए पूरा हमने वहाँ तक ले जानी है जहाँ दूसरे वाले इंडिकेटर का सॉकेट लगा हुआ है। बस फिर हमने वहाँ पे इसको अटैच कर देनी है। ये हमारी वायर नीचे से होते हुए ये आ गई हमारी, इधर वायर आ गई है। अब इस वायर को हमने, अब ये जो आप सॉकेट देख रहे हो ये वाला सॉकेट, तो सॉकेट में देखना हमारे को पीछे येलो वायर कौन सा निकल रहा है। ये सेकंड लास्ट वायर है जो हमारा सॉकेट में से निकल रहा है येलो वायर, ये हमारा इंडिकेटर का वायर है। अब यहाँ से देखना हमने यहाँ से कौन से वायर के अंदर आ रहा है भाई। अब यहाँ से आ रहा है ये ग्रीन के साइड में जो ब्लू सा आप वायर देख रहे हो, तो उसके अंदर हमने अटैच करना है। अब अटैच करने के लिए ये सॉकेट को हमने सबसे पहले बाहर निकालना है, तो सॉकेट को बाहर निकाल लेते हैं हम। ये आ गया सॉकेट हमारा बाहर, तो जैसे कि आप सॉकेट में देख रहे हो ये हमारा ब्लू वायर था ग्रीन के साइड वाला, ये सेकंड लास्ट। अब इसके अंदर हम जोड़ देते हैं, एक लंबा सा वायर खींचेंगे, तो खींचने के बाद में इसके अंदर बढ़ा दे देंगे, तो बढ़ाने के बाद में फिर इसको अंदर लगा देंगे वापस। अब दोनों साइड का हमारा काम है वो पूरा हो गया। अब ये जो हिस्सा जो बचा था आखिरी में, जो मैंने बोला था ये छुटाएंगे, तो इसको छुटाने की बारी अब आ चुकी है, तो इसको निकाल के लगाते हैं हम। तो देख रहे हो दोस्तों कितना शानदार लग रहा है, ये पूरा हो गया। अब ये हमारी वायर है वो दिखेगी नहीं, अब हम डिग्गी बंद कर देते हैं। देखो डिग्गी बंद करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारी डिग्गी बंद हो चुकी है अच्छी तरीके से। अब लाइट टेस्ट करते हैं, तो चलो लाइट टेस्ट करते हैं अभी हम। तो ये हमारी जो है, अब ये पार्किंग वाली लाइट है, तो पार्किंग पे वाली जल रही थी, देखिए पार्किंग की लाइट जल रही है। अब मैं इसके अंदर ऑन करता हूँ इंडिकेटर्स, अब इंडिया देखिए इंडिकेटर चल गया राइट साइड का, तो ये है इसका फोकस, वो राइट तरफ जा रहा है, आप देख पा रहे हो इस तरफ से। अब ऐसे ही दोस्तों ये खैर आपके सामने एक छोटा सा सैंपल था, अब रात में करेंगे यार, अभी तो खैर दिख नहीं रहा और टाइम भी काफ़ी हो रहा है, करीबन 3-4 बज रहे हैं, तो खैर हो रही है और धूप एकदम सर पे ही है, अभी इतना तो दिखेगा नहीं, फिर भी मैं आपके लिए दिखाई देता हूँ। ये देखिए डिग्गी के अंदर दिखाई देगी आप, ये रात को जब हम देखेंगे तब। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक शूट अपना रात का भी होगा, अब ये रात हो चुकी है, अब ये मेरी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है,
जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब चलते हैं पीछे की तरफ क्योंकि जो डिग्गी लाइट्स है, ट्रंक लाइट है, वो हमारी लगी हुई है पीछे, तो पीछे का शूट करते हैं अभी हम स्टार्ट अप। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो ये थोड़ी रोशनी के अंदर है गाड़ी, अब इसकी लाइट्स देखिए, पार्किंग वाला सिस्टम है, अब ये ब्रेक वाला है, ये चल चुका है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं गुप्त अंधेरे के अंदर ये इसकी लाइट है वो कितनी अच्छी लग रही, देखो कितनी अच्छी लग रही लाइट। तो चलो अब हम चलते हैं इसके अंधेरे की तरफ, अब मेरे पीछे देख पा रहे हो ये पूरा गुप्त अंधेरा है, तो अब हम वहाँ पर शूट करेंगे और आपको जानना भी ज़रूरी है क्योंकि रात में ये किस तरीके से नज़र आ रही है और इस टाइम ये किस तरीके से नज़र आ रही है। चलो ठीक है फिर, अब ये हमारा चलेगा पार्किंग पे, तो चलो स्टार्ट। और दोस्तों ये आइटम ऐसी आइटम है, आपकी कोई सी भी कार हो, कोई सी भी कंपनी हो, आप सब में लगा सकते हो, कंफ्यूज मत होना कि मैंने शेवलेट में लगाई है क्या ये शेवलेट में चलेगी, आपकी मारुति हो, हुंडई हो, गाड़ी के अंदर वीडियो ये जो टेल लाइट है वो लगा सकते हो, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्नोखान स्टोर के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। और इसके प्राइस की बात करूं तो हर कोई बंदा इसको लगा सकता है, सिर्फ इसकी प्राइस है वो 600 रुपये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ टेक्नोखान स्टोर के अंदर। तो गाइस उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई है तो अभी के अभी इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे आपके साथ में ऐसे ही। जय हिंद, वंदे मातरम।